क्या हुआ? लाइन बिजी आ रही है? बैलेंस नहीं है। ओए पप्पू, तू मेरा फोन ले, मेरे फोन में बहुत बैलेंस है, तू पुलिस से एक घंटे तक बात कर सकता है। एक घंटे क्यों बात करूंगा पुलिस से? ओए मेरे कहने का ये मतलब है तू जितनी चाहे उतनी बात कर सकता है, तो फोन लगाना। सर, सर, अरे सर, क्या सर, करता सर, है आम के सीजन में चना ढूंढ रहा है। तुम लोगों ने इस सीजन में आम खाया कि नहीं? कहाँ सर, कितना महंगा है सर, नहीं परवड़ते सर। हाँ वही तो, कौन समझाए बासुंदी को, कह रहे थी कि आते वक्त आम लेते आना। 3000 का भाव चल रहा है यार। हाँ सर, हम जैसे आम आदमी ये आम कैसे खा सकते हैं? तो कहती है कि तुम कहाँ आम आदमी हो, तुम तो इंस्पेक्टर चालू पांडे हो। आम खाना है तो आम आदमी से सीधे इंस्पेक्टर चालू पांडे बन गया मैं। सर लगता है आपका फोन बज रहा है। मेरा? हाँ सर। अच्छा, अरे क्या, अरे सर, अरे सर, क्या करता है ये? हेलो इंस्पेक्टर चालू पांडे ही है। हेलो पांडे जी, मैं गोकुलधाम सोसाइटी से पत्रकार पोपटलाल बोल रहा हूँ। ओहो, पीकॉक अवार्ड विनर, बैचलर पत्रकार, बोलिए क्या सेवा कर सकते हैं? पीकॉक अवार्ड नहीं, गोल्डन क्रो अवार्ड विनर। हाँ वही वही, बोलो क्या खुफिया खबर देना चाहते हो? खुफिया नहीं, खुलेआम खबर देना चाहता हूँ। खुलेआम? पांडे जी, हमारी गोकुलधाम सोसाइटी के सी विंग के पास मैंने एक आम की पेटी रखी थी, वो चोरी हो गई है। चोरी हो गई? क्या आम की पेटी खुली हुई थी? नहीं खुली हुई नहीं थी, पैक थी। तो तुम्हें कैसे पता चला कि उसके अंदर आम है? मैंने खोल के देखा था। अभी तो तुमने कहा कि आम की पेटी खुली हुई नहीं थी, पैक थी। नहीं नहीं, वो पैक ही थी, मैंने खोल के देखा तो उसमें पके हुए आम निकले। पके हुए आम? तो तुम्हें चखा नहीं? अरे कैसे चखता, सीजन का पहला पका हुआ आम कोई कैसे कंट्रोल कर सकता है पोपटलाल? अरे पांडे जी, मैंने बोला ना वो आम की पेटी मेरी नहीं थी। जब तुम्हारी आम की पेटी नहीं है तो बेकार में पुलिस को फोन करके क्यों परेशान करते हो? रखो यार। अरे सुनिए सुनिए पांडे जी सुनिए, बात आम की पेटी की नहीं, मेरी शादी की है। आम से तुम्हारी शादी का क्या लेना देना? अरे लेना देना है, अगर आम की पेटी नहीं मिली तो मेरी शादी टूट जाएगी। अरे यार, आम की पेटी न मिलने से किसी की शादी कैसे टूट सकती है? मेरी टूट रही है। अच्छा, मुझे एक बदतमीज आदमी के खिलाफ कंप्लेन लिखवानी है। अरे कंप्लेन लिखवानी है तो आओ पुलिस स्टेशन। अरे इतना टाइम नहीं है पांडे जी, अगर मैं पुलिस स्टेशन आया कंप्लेन लिखवाने तो वो भाग जाएगा। भाग जाएगा? कहाँ से भाग जाएगा? अरे हमारी सोसाइटी से, वो मेरे सामने ही है। तुम्हारे सामने ही खड़ा? चाहे काम करो पोपटलाल, बी स्मार्ट, उसको इधर उधर की फालतू की बात में उलझाए रखो, मैं यहीं बगल में हूँ, मैं वहीं पहुँच रहा हूँ। ओके ओके पांडे जी। लगता है गोकुलधाम में प्रॉब्लम हो गई है, हमें वहाँ निकलना होगा। कम ऑन मूव। अभी इंस्पेक्टर पांडे जी आ रहे हैं, तुम्हारी सारी हेकड़ी निकल जाएगी। हाँ हाँ, तुम आने दो ना, आपने ही आम की पेटी गायब की है, आप ही फंसोगे। एक बार पांडे जी को आने दे, फिर तेनू पता चल जाएगा किसने पेटी चुराई है और कौन जेल जाएगा। ओ पप्पू, तू टेंशन ना ले, पांडे जी आते ही केस सॉल्व कर देंगे। अरे भाई, लेकिन मुझे बहुत लेट हो रहा है, वहाँ पूजा मेरा वेट कर रही है। वैसे भी पप्पू, ये केस सॉल्व होने से पहले तू कहीं नहीं जा सकता, तू एक काम कर, भरजाई जी नु कह दे। भरजाई? अरे पूजा भरजाई जी नु फोन करके कह दे कि थोड़ा टाइम और लगेगा। हाँ हाँ, बोल देता हूँ। कैसे बोलेगा, बैलेंस नहीं है। अरे हाँ, ला फोन दे। हेलो पूजा, मैं पत्रकार पोपटलाल बोल रहा हूँ। वो सॉरी, मेरे फोन में बैलेंस नहीं है, मेरा मतलब है बैटरी नहीं है, तो इसलिए दूसरे नंबर से फोन कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा, आप ऑफिस आ गए? नहीं अभी नहीं, मैंने आर्टिकल लिख लिया है, निकल चुका हूँ लेकिन ट्रैफिक में फंसा हूँ। पापा पीप, ट्रैफिक की आवाज सुनाई दे रही है, मैं उसी ट्रैफिक में फंसा हुआ हूँ, बस अभी थोड़ी देर में पहुंचता हूँ। अच्छा पूजा, तुम कहीं जाना नहीं, तुमने चाय कॉफी वगैरह कुछ लिया? कॉफी तो मैं आपके साथ ही पीऊंगी। ओला, मेरा टेंशन मत लीजिए, मैं अभी अपना काम ही कर रही हूँ। पत्रकार परमेश्वर जी, मैं बस अभी पहुंचता हूँ। ओके बाय बाय। वो क्या कहा परजाई ने? पत्रकार परमेश्वर, पति परमेश्वर की तरह। पप्पू, इस बार तेरी शादी का फुल चांस है। बात क्या है पोपट भाई?
पटेल सर, मुजरिम सोसाइटी में ही है। गुड ना? यस सर। शिशुपाल। यस सर। गेट पे खड़े रहना। ओके सर। खड़े ही मत रहना, अलर्ट भी रहना। ठीक है सर। पटेल तुम मेरे साथ आओ। आइए आइए पांडे जी आइए। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। हाँ तो पोपटलाल, इनमें से कौन है जिनके खिलाफ तुम्हें कंप्लेंट लिखवानी थी? नहीं नहीं, इनमें से कोई नहीं है। तुम तो कह रहे थे कि तुम्हारे सामने ही खड़ा है। सामने खड़ा है मतलब ऊपर खड़ा है। पोपटलाल सामने सामने ऐसे होता है, ऊपर ऊपर ऐसे होता है। कहाँ है वो? ओ पांडे जी, उत्थे नहीं इत्थे ऊपर। ये रहा। बेटा ये कार्य कितने सालों से कर रहे हो? 5 साल से सर। 5 साल से ये चोरी कर रहा है और आज तक हमारे हाथ नहीं लगा। बेटा क्या तुम्हारे परिवार वाले तुम्हारे इस कार्य से खुश हैं? अरे हाँ हाँ सर, बहुत खुश हैं। कहते हैं इसी काम में तरक्की करो। बेटा क्या तुम्हारे कोई परिवार का सदस्य इस कार्य में सहायता करता है? अरे नहीं नहीं सर, आई एम वन मैन शो। वन मैन शो। अच्छा एक बात बताओ, इतने सालों से चोरी कर रहे हो, कभी पकड़े नहीं गए? अरे क्या बात करते हो सर, मैं चोर नहीं हूँ। तुम चोर हो या नहीं ये हम फैसला करेंगे। और तुम ऊपर से क्या बकबक कर रहे हो? नीचे उतरो, नीचे उतरो। हाँ सर। ऊपर मुंडी करके बात करो तो मुंडी दुखने लगता है। नहीं बराबर है, ऐसे बात करेंगे तो मुंडी दुखती है, मेरी भी दुखती है। हम लोगों को आदत है, मुजरिम नीचे बैठता है, हम लोग ऐसा करके बात करते हैं। हाँ क्या नाम है तेरा? हाँ हरीश शर्मा। शर्मा मोंटी शर्मा, तुम्हारा क्या लगता है? मोंटी शर्मा कौन? मोंटी शर्मा? अरे वो इंदौर का शातिर चोर जो आज तक हमारे हाथ नहीं लगा। अरे सर मैं आज तक कभी इंदौर गया ही नहीं, मैं मुंबई का ही हूँ सर और यहीं पला बड़ा हूँ। मैं यहाँ की सो एंड सो कंपनी में जॉब करता हूँ। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा बेटा तुम्हारे सो एंड सो कंपनी का असली नाम क्या है? सो एंड सो ही नाम है। सो एंड सो कंपनी का असली नाम है? हाँ सर ये कंपनी है, ये बाहर की कंपनी है। तुमको कैसे मालूम? सर कल एक पार्सल मंगाया था। बाहर से? हाँ सर। और सर मैं सो एंड सो कंपनी का ही डिलीवरी बॉय हूँ। सर प्लीज आप इनसे कहिए ना कि मुझे मेरी आम की पेटी मुझे वापस कर दें। तुम्हारी आम की पेटी? हाँ सर। आम की पेटी तो पोपटलाल की चोरी हुई है ना? नहीं नहीं मैंने आपको बताया था ना वो आम की पेटी मेरी नहीं है। I'm sorry, तुमने बताया था कि आम की पेटी तुम्हारी नहीं। फिर आम की पेटी चोरी किसकी हुई है? पोपटलाल की। अरे यार पोपटलाल बोलता है कि मेरी आम की पेटी चोरी नहीं हुई और तुम कहते हो कि पोपटलाल की आम की पेटी की चोरी हुई। ये क्या मजाक लगा रखा है पुलिस से? सर वो ये वाले पोपटलाल की नहीं, दूसरे वाले पोपटलाल की आम की पेटी थी। दूसरे पोपटलाल की? क्या तुम्हारे सोसाइटी में दो पोपटलाल है? नहीं नहीं सर, एक ही पोपटलाल है और वो मैं हूँ, पत्रकार पोपटलाल। तो फिर दूसरा पोपटलाल का? अपने घर पे। वाह कमाल है, जिसकी आम की पेटी चोरी हुई है वो घर पर है और जिसकी आम की पेटी चोरी नहीं हुई है वो पुलिस को कंप्लेन कर बिना मतलब का परेशान कर रहा है। नहीं नहीं पांडे जी, मैं आपको परेशान नहीं कर रहा हूँ, दरअसल ये मुझे मेरा पार्सल नहीं दे रहा है। अबे पार्सल कहाँ से आ गया बीच में? कहा था ना ऑडियो क्लिप बना ले, दस है। दरअसल हुआ यूं। मैं पूजा बोल रही हूँ। अब पहले कभी मिल चुका है? 2 साल पहले आप पत्रकार सम्मेलन में इंदौर आए थे। हाँ आया था। उस दिन किसी कारण मिल नहीं पाई आपको। अच्छा मैं कल मुंबई आ रही हूँ, आप उनके लिए एक अच्छा सा गिफ्ट लेकर उन्हें एक बढ़िया सा रेस्टोरेंट में लेकर जाइए। सर बस 15 मिनट सर, अभी आया सर। आज मैं पंछियों को दाने डालना ही भूल गया, इसे ऊपर कहाँ लेकर जाऊँ, यही साइड में रख देता हूँ पर फटाफट जाकर फटाफट आता हूँ। थैंक यू दोस्त, चल चलता हूँ। मेरा आम का बॉक्स। अरे हाँ सॉरी एक मिनट देता हूँ। ओह आई सी, मैं समझ सकता हूँ पोपटलाल, तुम्हारी जगह मैं भी होता तो मैं भी इसी तरह परेशान होता। थैंक यू पांडे जी। इट्स अ डिफरेंट एंड सीजनल केस। सीजनल केस? पगले आम का केस है ना, तो हुआ ना सीजनल। ओह
है ना? यस सर। अरे पांडे जी, इसे कहिए कि मेरा ब्यूटी प्रोडक्ट्स का पार्सल दे दे, वहाँ पूजा मेरा वेट कर रही है। सर आप ही बताइए, मैं मेरी आम की पेटी मिले बगैर ये पार्सल कैसे दे दूं? मेरी नौकरी जाएगी। हाँ ये भी सही है पोपटलाल, जब तक इसे आम की पेटी नहीं मिलेगी ये तुम्हें पार्सल कैसे देगा? हमारे नजरों में न्याय सबके लिए बराबर है। आई एम सॉरी पोपटलाल। अरे पांडे जी, अगर आम की पेटी नहीं मिली तो क्या मैं शादी ना करूं? आई एम सॉरी पोपटलाल, इस वक्त शादी से ज्यादा आम की पेटी इंपॉर्टेंट है। अरे क्या बोल रहे हैं पांडे जी, इसकी पेटी पेटी, मेरा पार्सल कुछ नहीं है, मेरी कोई फीलिंग्स ही नहीं है। अरे इतने सालों बाद शादी का मौका आया है, अगर आम की पेटी नहीं मिली तो मैं क्या कुंवारा ही मर जाऊं? हम तुम्हें कुंवारा मरने नहीं देंगे पोपटलाल। पटेल, बेस्ट पार्ट अब तक एक सॉल्व नहीं हुआ है। जी सर। जान से सॉल्व करने का। यस। नेक्स्ट राइट। देखो हम आम की पेटी ढूंढेंगे और इन्हें दे देंगे, जैसे ही इन्हें आम की पेटी मिल जाएगी ये तुम्हें तुम्हारा पार्सल दे देंगे और वो पार्सल तुम तुम्हारी पूजा को दे देना, तुम्हारी पूजा खुश हो जाएगी और तुम उसके साथ अपनी शादी रचा लेना। That's all, case is solved. क्या बात है सर। पाटिल पता करो इस सोसाइटी में बाहर से कौन कौन आया था। ओके यस सर। एक मिनट पाटिल सर, तेरे सोसाइटी में कोई आया गया नहीं है। तुम्हें कैसे पता? वो दरअसल पांडे जी, वो हमारे गेट के बाहर में एक स्त्री वाला है, वो हमेशा अपनी दुकान पे रहता है। हमने उससे पूछताछ की थी, उसने बताया कि बाहर से हमारी सोसाइटी कंपाउंड में कोई नहीं आया। पूछताछ करने का काम पुलिस का है, तुम्हारा नहीं। जब तुम्हें पूछताछ करनी थी तो हमें क्यों बुलाया? सॉरी पांडे जी, मैं बहुत टेंशन में था, आम की पेटी मिल नहीं रही थी तो मैंने ऐसे ही जनरली पूछताछ कर ली। ठीक है, बाहर से कोई नहीं आया मतलब चोर सोसाइटी में ही है? नहीं, चोर सोसाइटी का भी नहीं है। ये भी स्त्री वाले ने बताया? नहीं नहीं, मैंने सबके घर में जाके पूछा। सबके? हाँ सबके, हाथी भाई के, सोडी भिड़े, मेहता साहब और अय्यर भाई। जेठालाल के घर जाना भूल गए? नहीं 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 भूला, मेहता साहब के बाद हम जेठालाल के घर ही गए थे पूछताछ करने। पटेल अब हमें यहाँ एक पल भी नहीं रुकना। पूछो, जब तुम्हें पूछताछ करनी थी तो हमें बुलाया क्यों? सॉरी सर। खुद ही बोलते हो कि सोसाइटी के अंदर कोई बाहर से आया नहीं, खुद ही बोलते हो कि सोसाइटी के किसी मेंबर ने आम की चोरी नहीं की। आम की पेटी गई कहाँ पोपटलाल? पांडे जी केस इज क्रिस्टल क्लियर, आम की पेटी हरीश ने चुराई है। हाउ? आई विल एक्सप्लेन प्लीज। सॉरी, मैं आम की पेटी को लेकर सोसाइटी कंपाउंड में खड़ा था ऐसे। मुझे याद आया कि मुझे पंछियों को दाने डालने, लेकिन पेटी का वजन इतना ज्यादा था, मैंने सोचा इतनी वजनदार पेटी लेकर मैं कहाँ ऊपर जाऊँ, तो इसलिए मैंने उस आम की पेटी को उठाकर यहाँ पर ऐसे यहाँ ऐसे रख दी। अच्छा, फिर मैं यहाँ से ऐसे ऊपर जाता हूँ। अरे कया की जा रही है? तो बड़ी सफाई से इसने आम की पेटी को चुरा कर अपने डिलीवरी बैग में रख दी। That's all my lord. That's all my lord. ये कोर्ट नहीं है पोपटलाल। सॉरी सॉरी, आप इसे पुलिस स्टेशन ले जाइए, दो चार डंडे मारिए, सारा सच उगल देगा। सर एक मिनट सर, अगर मेरे मन में चोर होता तो सर मैं आम की पेटी लेके भाग जाता, सर यहाँ इनके लिए रुकता ही क्यों? और सर दूसरी बात, सर मैं एक घंटे बाद वापस ही क्यों आता? अरे मुझसे 4,000 रुपए बैठने के लिए? नहीं सर, मैं देखिए सर, मैं बहुत ईमानदार आदमी हूँ सर, मैं अपना काम भी पूरी ईमानदारी के साथ करता हूँ। सर आपको चाहिए तो सर आप मेरा डिलीवरी बैग चेक करवा लीजिए। तुम्हें भी सफाई का मौका मिलना चाहिए। थैंक यू सर।
शिशुपाल। यस सर। इसका डिलीवरी बैग चेक करो। यस। कराइए कराइए। हाँ। अभी पता चल जाएगा। हाँ, अभी पता चल जाएगा। सर आम की पेटी नहीं है सर। है? तो आम की पेटी गई कहाँ? सर। हो सकता है पोपट लाल। मुझे पता है। क्या कर रहे सर? पोपट लाल मैं तुम्हारे गोकुल धाम वालों को अच्छी तरह से जानता हूँ। तो बहुत मजाकिया है, जरूर उन लोगों ने आम की पेटी छुपा कर रखी होगी। चिंता मत करो, वो मिल जाएगी। हाँ शिशुपाल मेरा PAS लाना। यस सर। PAS? अरे यार वो भोंपू होता है ना जो जिसमें पुलिस चिल्ला के बुलाती है, आ जाओ सामने। हाँ अच्छा। सर आप बोलिए ना, आपका आवाज बहुत अच्छा है। अच्छा हेलो हेलो सुनाई दे रहा है? अरे पांडे जी इधर तो सुनाई देगा ही ना, वहाँ सुनाई देना चाहिए। वैसे पांडे जी आपको पोपू की क्या जरूरत है, और आपकी आवाज तो वैसे ही बड़ी बुलंद है। अरे छोड़िए, प्रोटोकॉल है, सरकार हमें देती है यूज करने के लिए, हम नहीं करेंगे तो बोलेंगे यूज नहीं करते हो। सुनिए 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 मेरे प्यारे गोकुल धाम सोसाइटी के वासियों, मैं इंस्पेक्टर चालू पांडे आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग जहां कहीं भी हो, अपने हॉल बेडरूम किचन इत्यादि इत्यादि कृपा करके अपने अपने बालकनी में आने का कष्ट करें। क्या आवाज पहुंच नहीं रही? चलो बालकनी आ रहे। जी सर बराबर है सर, वो कहीं बिजी होंगे सर। हेलो, क्या आप लोगों को मेरी आवाज नहीं सुनाई दे रही? अभी पांडे जी आ गए सब लोग। थैंक यू फॉर कमिंग। कुछ लोग मिसिंग लग रहे हैं, वो जेठालाल मेहता और वो क्या नाम है उसका, एक में सेक्रेटरी भिड़े। वो जेठालाल और मेहता साहब अपने अपने काम पर गए हैं। लेकिन भिड़े तो वो घर से ही ऑपरेट करता है ना, वो क्लास वाइज, वो किधर है? नहीं वो अचार पापड़ की डिलीवरी करने गए हैं, इसलिए वो घर पे नहीं है। पांडे जी आप अचानक से हमारी सोसाइटी में कैसे आए? हाँ, क्या हुआ पांडे बेटा? क्यों हो गया? दसो ना। क्या हुआ? क्या वो तो बोलो। अरे शांत हो जाइए, सब लोग एक एक करके बोलिए, सबको बोलने का मौका मिलेगा। बोलो बोलो। मैं जानता हूँ, आई एम सॉरी मैं जानता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छा मजाक करते हैं। आप लोगों ने जो पोपट के साथ मजाक किया है उसकी आम की पेटी कहीं छिपा कर मजाक में रख दी है। मतलब? मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि पोपट की वो आम की पेटी कृपा करके लौटा दें ताकि इसका जीवन आगे बढ़े, वरना पुलिस को सबके घर में पर्सनली आकर तलाशी लेनी पड़ेगी। तलाशी क्यों लेनी थी? वो तो देख के। अरे हमें तो कुछ भी नहीं किया। दोस्तों इंस्पेक्टर चालू पांडे सोसाइटी में आकर तहकीकात प्रारंभ हो चुकी है। आम आदमी पुलिस से बड़ा डरता है, अगर सोसाइटी में पुलिस आ जाए तो सोचता है किसके यहाँ आई होगी, क्यों आई होगी, कोई गुनहगार तो नहीं रहता। और यहाँ तो इंस्पेक्टर चालू पांडे ने घोषणा कर दी है कि सभी के घरों की तलाशी लेंगे। सोसाइटी में हड़कंप मच गया, भाई कहाँ गई है आम की पेटी, चोर कौन है? उधर पूजा जी इंतजार कर रही है, इधर आम की पेटी मिल नहीं रही है, हरीश गिफ्ट देने को तैयार नहीं है, गिफ्ट चाहिए तो पैसे लगेंगे, और पोपट लाल को मंजूर नहीं है कि पैसे देने पड़े। तो अब आगे क्या होगा? क्या ये गिफ्ट दे पाएगा पोपट लाल पूजा जी को, या पूजा जी से मिलने बगैर गिफ्ट ही चला जाएगा? भाई बहुत सारे टेंशन है, लेकिन हर टेंशन दूर होगा जब आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए हंसते रहिए। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।